हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। आज हम लोग देखेंगे जावा का इंट्रोडक्शन क्लास, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यही आपका बेस है जो आपका आगे चल के काम आएगा। ठीक है, तो आज इंट्रोडक्शन क्लास वन है। ठीक है, तो जावा फॉर बिगिनर्स। ठीक है, तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं देख लेते हैं, एक बार शुरू करते हैं। व्हाट वी लर्न टूडे। ठीक है, तो व्हाट इज़ जावा, पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे। व्हाट इज़ जावा, जावा क्या है और उसके एप्लीकेशंस क्या है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, कितने डिवाइसेस में यूज़ होता है। ठीक है, फिर हाउ टू इंस्टॉल जावा, जावा को सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल हम कैसे करते हैं। ठीक है, फिर हाउ टू सेट पाथ वेरिएबल, ये वही इंस्टॉलेशन का पार्ट है। इंस्टॉल करने के बाद हम पाथ वेरिएबल सेट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में फोर्थ देखेंगे हम लोग हाउ टू रन जावा फर्स्ट प्रोग्राम। हम लोग जावा के दो प्रोग्राम देखेंगे रन करा के। ठीक है, तो वीडियो को स्किप ना करें, इसको अंत तक जरूर देखें। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा क्या है। तो पहला हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ जावा। ठीक है, तो व्हाट इज़ जावा, जावा क्या है। तो जावा आप लोग जैसे जानते हैं, आप लोग जावा इसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो ये यहाँ तक तो सभी जानते हैं। ठीक है, लेकिन लास्ट में एक और पॉइंट है, क्या है, जावा इसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड ए प्लेटफॉर्म। ठीक है, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है और एक प्लेटफॉर्म भी है। प्लेटफॉर्म मतलब आप समझ सकते हैं। ठीक है, जो हमें सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए जो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है उसे हम क्या बोलते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट जो प्रोवाइड करता है उसे हम क्या कहते हैं, प्लेटफॉर्म। देखते हैं हम आगे चल के और देखेंगे इसे। ठीक है, जावा इज़ हाई लेवल, ठीक है, रॉबस्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज है, रॉबस्ट है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, और सिक्योर मतलब बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, फिर जावा को सन माइक्रो सिस्टम, जो अब ओरेकल की सहायक कंपनी है, द्वारा वर्ष 1995 में विकसित किया गया था। ठीक है, तो जावा को सबसे पहले बनाया किसने था, ठीक है, सन माइक्रो सिस्टम्स नाम की कंपनी ने बनाया था। ठीक है, जिसे बाद में ओरेकल नाम की कंपनी ने खरीद लिया। ठीक है, तो इसे सबसे पहले बनाया तो सन माइक्रो सिस्टम्स ने था, लेकिन अभी वर्तमान में इसकी जो कंपनी है वो कौन है, मालिक जो है वो ओरेकल है। ठीक है, जेम्स गॉसलिंग। ठीक है, चौथा पॉइंट देखते हैं, जेम्स गॉसलिंग को जावा का जनक कहा जाता है। जावा का जो डेवलपर है, ठीक है, जावा का जो डेवलपर है वो कौन है, जेम्स गॉसलिंग। ठीक है, जावा से पहले इसका नाम क्या था, ओक था। जावा से इसका नाम शुरू से जावा नहीं था, इसका नाम शुरुआत में ओक था, क्योंकि ओक पहले से एक रजिस्टर्ड कंपनी थी। ठीक है, इसलिए जेम्स गॉसलिंग और उनकी टीम ने ओक से इसका नाम जावा में बदल दिया। ठीक है, तो ओक नाम पहले दिया गया था, लेकिन पता चला कि ओक नाम की पहले से कोई कंपनी एग्जिस्ट कर रही है, इसलिए ओक का नाम फिर जावा में बदल दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो जावा एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया। ठीक है, उसके बाद कोई भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वातावरण जिसमें कोई प्रोग्राम चलता है एक प्लेटफॉर्म के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चूंकि जावा में रन टाइम एनवायरमेंट GRE, जावा रन टाइम एनवायरमेंट और API एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस दोनों होता है, इसलिए इसे प्लेटफॉर्म कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एप्लीकेशंस। ठीक है, जावा का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है, कहाँ कहाँ उपयोग होता है, एप्लीकेशन यानी उपयोग। ठीक है, जावा लैंग्वेज का उपयोग क्या क्या बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो क्या क्या बनाने में किया जाता है, सन के अनुसार। सन के अनुसार मतलब ये सन यानी सूरज नहीं है, सन माइक्रो सिस्टम जो कंपनी है, जो इसकी पेरेंट कंपनी, उसके अनुसार। ठीक है, तीन अरब उपकरण जावा चलाते हैं। 3 अरब मतलब 3 बिलियन। ठीक है, 3 बिलियन। ठीक है, 3 बिलियन यानी आप समझ सकते हैं। ठीक है, 3 बिलियन मतलब 3 अरब उपकरण जो है वो जावा से चलते हैं। ठीक है, इसके उपकरण ऐसे कई उपकरण हैं जहां वर्तमान में जावा का उपयोग किया जा रहा है, उनमें से कुछ इस प्रकार है। ठीक है, तो पहला है डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के लिए। डेस्कटॉप एप्लीकेशन जैसे आप जो एक्रोबैट रीडर, जो PDF फाइल खोलते हैं, मीडिया प्लेयर, एंटीवायरस, ये सारे सॉफ्टवेयर किससे बनते हैं, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज होता है इन्हें बनाने में। ठीक है, वेब एप्लीकेशन सच एस IRCTC.com.co.in, मतलब ये जो आपका इंडिया रेलवे का जो वेबसाइट है, वो भी वेब एप्लीकेशन है, वो भी हमारा जावा से बना हुआ है। ठीक है, एंटरप्राइज एप्लीकेशन जैसे सच एस बैंकिंग एप्लीकेशन जो बैंकिंग के सॉफ्टवेयर होते हैं, जो जितने भी आपके बैंक होते हैं उनके बैंकिंग एप्लीकेशन जो होते हैं, आप मोबाइल में जो चलाते हैं, वो सब आपके जावा से बने हुए हैं, मोबाइल। ठीक है, मोबाइल में जो भी आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है, वो सब गेम्स वगैरह बनते हैं, वो सब आपके जावा से बने होते हैं। ठीक है, एम्बेडेड सिस्टम, स्मार्ट कार, रोबोटिक्स। ठीक है, आजकल जो रोबोट का जमाना आ गया है, रोबोट के थ्रू जो बनाया जा रहा है, उसमें भी प्रोग्रामिंग जो होता है वो जावा लैंग्वेज के थ्रू होता है, और गेम्स। ठीक है, तो इन सभी जगह जावा आपका यूज़ होता है, इसलिए जावा बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है,
सबसे ज़्यादा दुनिया में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसका यूज़ हो रहा है वो जावा उसमें से एक है, ठीक है। फिर जावा के प्लेटफॉर्म्स एडिशन, जावा के कितने प्लेटफॉर्म एडिशन होते हैं, देयर आर फोर प्लेटफॉर्म्स और एडिशंस ऑफ जावा। जावा के टोटल चार प्लेटफॉर्म्स और एडिशंस आए हैं, ठीक है, जिसमें से हम लोग का जो सिलेबस में है वो क्या है, जावा स्टैंडर्ड एडिशन, जो हम लोग आज सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना देखेंगे, ठीक है। तो यही सॉफ्टवेयर हम लोग के लिए यूज़ है, जो कोर जावा बोलते हैं इसको, ठीक है। कोर जावा मतलब ये जो जो बेसिक होता है वो वाला, ये वाला प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो यही हम लोग के सिलेबस में है, ठीक है। फिर इससे हम लोग इसे जावा प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है, इसमें प्रोग्रामिंग हम कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग हम सीख सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरा है जावा ईई, ऐसी से स्टैंडर्ड एडिशन, ईई से एंटरप्राइज एडिशन, ठीक है। इट इज एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म दैट इज मेनली यूज टू डेवलप वेब एंड एंटरप्राइज एप्लीकेशन बनाने के लिए इसका यूज होता है, ठीक है। फिर तीसरा है जावा एमई माइक्रो एडिशन, ठीक है। इस माइक्रो प्लेटफॉर्म दैट इज डेडिकेटेड टू मोबाइल एप्लीकेशन। अब मोबाइल एप्लीकेशन बनाना है उसके लिए आपको कौन सा एडिशन यूज़ करना पड़ेगा जावा का, जावा एमई, ठीक है। अभी आप बोलोगे कि अब हम जावा ऐसी से अभी जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करेंगे उससे हम लोग मोबाइल के एप्लीकेशन बना देंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। पहले ये, लेकिन आपका कोर है, ये आप सीख गए तो आप बाकी चारों एडिशन को आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो इसे माइक्रो प्लेटफॉर्म दैट इज डेडिकेटेड टू मोबाइल एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए जावा माइक्रो एडिशन का यूज़ होता है, ठीक है। फिर जावा एफ एक्स, इट इज़ यूज टू डेवलप रिच इंटरनेट एप्लीकेशन, इट यूज लाइट वेट यूजर इंटरफेस एपीआई, ठीक है। ये इंटरनेट एप्लीकेशंस बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है, जावा एफएक्स। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, फीचर्स ऑफ जावा, जावा के क्या क्या फीचर्स होते हैं, फीचर्स ऑफ जावा, ठीक है। तो जावा के क्या क्या फीचर्स होते हैं ये हम लोग आगे चल के हम लोग देखेंगे, अभी मैं आपको सिर्फ इसको बता दे रहा हूँ क्या क्या फीचर्स है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। आप आगे अगर जैसे क्लासेस होते जाएंगे आपको समझ में आते जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्लास बहुत लंबी खिंच जाएगी, ठीक है। इसलिए तो फीचर्स क्या क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, सिंपल होता है, सिक्योर होता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, ये भी हम लोग देखेंगे, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों होता है, रॉबस्ट होता है, पोर्टेबल होता है, आर्किटेक्चर न्यूट्रल होता है, डायनेमिक होता है, इंटरप्रेटेड होता है, हाई परफॉर्मेंस होता है इसका, मल्टी थ्रेडेड होता है और डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है। ये सारे आपके जावा के फीचर्स है, ठीक है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों होता है, ठीक है, तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म यानी आप अभी फिलहाल के लिए समझ के रखिए कि प्लेटफॉर्म यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो जो जावा का जो कोड है, ठीक है, जावा का जो कोड है उसे आप, है ना, जावा का जो कोड है उसे आप एक से अधिक प्लेटफॉर्म में, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम में चला सकते हैं। जैसे आपका विंडोज़ हो गया, ठीक है, विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स है, ठीक है, लाइनेक्स है, ठीक है। फिर आपका मैक ओएस है जो एप्पल द्वारा बनाया जाता है, ठीक है, मैक ओएस है, ठीक है। तो ये सब अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में भी अपना ये जो जावा का प्रोग्राम है, हम जावा का प्रोग्राम जो है वो हम चला सकते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बोलते हैं, ठीक है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब ये ऑपरेटिंग सिस्टम से स्वतंत्र है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम में चलेगा। जैसे इसका कोड आप विंडोज़, अभी हम लोग विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, इस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में हम कोई भी जावा का प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है, जावा का प्रोग्राम हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में चलाएंगे, तो वो जो जावा का प्रोग्राम है वो लिनक्स में भी चलेगा और मैक ओएस में भी चलेगा। मतलब वो ऐसा नहीं है कि आप विंडोज़ में आपने इस जावा का प्रोग्राम को बनाया है या सॉफ्टवेयर को तैयार किया है तो सिर्फ विंडोज़ में ही चलेगा, ऐसा नहीं है, वो लिनक्स में भी चलेगा और मैक ओएस में भी चलेगा, इसीलिए इसे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज कहा जाता है, ठीक है। तो देख लेते हैं, जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है क्योंकि जावा कोड को कई प्लेटफॉर्म पर एग्जीक्यूट किया जा सकता है, उदाहरण के लिए विंडोज़, लिनक्स, सन सोलरिस, मैक ओएस आदि, ठीक है। जावा कोड को आप देखिए वर्क कैसे करते हैं, जावा कोड को कंपाइलर के द्वारा, ठीक है, जावा कोड को कंपाइलर के द्वारा कंपाइल किया जाता है और बाइट कोड में बदल दिया जाता है, ठीक है। प्राप्त बाइट कोड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है जो बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर चलाया जा सकता है, ठीक है, समझ गया। तो कुल मिला के ये बात ये हो रही है कि जावा कोड जो है, ठीक है, जो जावा कोड है वो आपका सभी प्लेटफॉर्म में नहीं चलता है। ये जावा कोड को क्या होता है, कंपाइलर होता है, बीच में एक क्या होता है, कंपाइलर। ये कंपाइलर क्या करता है, बाइट कोड में चेंज कर देता है, ठीक है। अब ये जो बाइट कोड होता है, ठीक है, ये जो है ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। ये बाइट कोड जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, इसलिए इसे आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में चला सकते हैं। इसलिए हम बोल देते हैं जावा कोड को हम कहीं भी किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में चला सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जावा को कौन से लैंग्वेज भी बोलते हैं, राइट वंस रन एनीवेयर वोरा, ठीक है। तो ये आपका एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, वोरा क्या होता है, ठीक है। तो वोरा क्या होता है, राइट वंस रन एनीवेयर, राइट वंस यानी एक बार लिखो और रन एनीवेयर मतलब कहीं पर भी चला लो, ठीक है। तो इसी का मतलब होता है वोरा, राइट रन्स वंस एंड रन एनीवेयर, ठीक है। ये वही मैंने आपको जो बताया भी, ठीक है, ये जो क्लास फाइल लिखा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइट कोड, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइट कोड, ठीक है। अभी मैंने बताया ना, जो भी जावा कोड होता है, ठीक है, ये जावा का जो कोड होता है, जावा प्रोग्राम हम लोग जो लिखते हैं वो क्या होता है, कंपाइलर क्या करता है इसे, ठीक है,
आपका कंपाइलर क्या करता है, इसे बाइट कोड में चेंज कर देता है। ठीक है, अब ये जो बाइट कोड है, ठीक है, ये जो बाइट कोड है ये क्या होता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका चल सकता है। तो ठीक है, तो यही बाइट कोड है, ये आपका मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में हो, चाहे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो, ठीक है, सबको आपका एग्जीक्यूट कौन कराने काम करता है, JVM एग्जीक्यूट कौन कराने काम करता है, JVM। JVM का फुल फॉर्म होता है जावा वर्चुअल मशीन। ये भी आपका एमसीक्यू क्वेश्चन हो सकता है, एग्जीक्यूट कराने का काम कौन करता है जावा में, तो जावा में एग्जीक्यूट कराने का काम कौन करता है, JVM। ठीक है, बाइट कोड को रन कराने का काम, बाइट कोड को एग्जीक्यूट कराने का काम कौन करता है, JVM या फिर जावा वर्चुअल मशीन। सॉफ्टवेयर, अब यहाँ से हमारा मेन क्लास चालू होता है, ठीक है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर नीडेड फॉर जावा, जावा प्रोग्राम को हमें रन कराने के लिए, जावा प्रोग्राम को हमें रन कराने के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो पहला तो आपको JDK का exe फाइल है ये डाउनलोड करना पड़ेगा और इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद कमांड प्रॉम्प्ट, जैसे कि हमने पाइथन और MySQL का कमांड को के प्रोग्राम्स को हमने क्वेरी, जैसे MySQL में हम क्वेरी चलाते थे, पाइथन में हम प्रोग्राम बनाते थे, वो सब हम किस में चलाते थे, कमांड प्रॉम्प्ट में। ठीक है, तो जावा का भी प्रोग्राम आपका कमांड प्रॉम्प्ट में ही चलेगा। ठीक है, और इसमें भी नोटपैड, ठीक है, नोटपैड या नोटपैड डबल प्लस का यूज़ करेंगे। ठीक है, ठीक है, हाउ टू इंस्टॉल जावा, जावा को हम इंस्टॉल कैसे करेंगे। ठीक है, तो सिंपल आप, ठीक है, सिंपल आप गूगल में सर्च मारेंगे डाउनलोड जावा। ठीक है, जैसे डाउनलोड जावा करेंगे तो आपको ओरेकल के वेबसाइट में ले जाएगा। ठीक है, ओरेकल क्योंकि इसकी कंपनी है, मालिक कंपनी है। ठीक है, तो वहाँ से आप जाके आप ये वाले लिंक में जाएंगे। ठीक है, तो आपका सॉफ्टवेयर आपका इंस्टॉल हो जाए मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पर आप क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करने के बाद आप इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद पाथ वेरिएबल सेट करना है। ठीक है, जावा का लेटेस्ट वर्जन जो है वो क्या है, जावा वर्जन 19.01। ठीक है, जो अभी 18/10/2022 को रिलीज़ हुआ था हाल ही में। ठीक है, पिछले महीने, ठीक है, आज ही मैं वीडियो बना रहा हूँ 30 नवंबर को। ठीक है, और देख लीजिए मैंने आपको बताया था जावा का जो एडिशन है SE वाला हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो SE मतलब स्टैंडर्ड एडिशन, स्टैंडर्ड एडिशन। मैंने आपको 4 एडिशन बताए थे जावा के, उसमें से जो पहला एडिशन है स्टैंडर्ड एडिशन वो हम लोग यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, ये वही वाला सॉफ्टवेयर है, लेटेस्ट वर्जन है 19.0.1। ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोग, ओरेकल के वेबसाइट में हम गए। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे आपको जावा 19 और जावा 17 दोनों दिखाएगा, लेकिन आप लेटेस्ट वर्जन आपका जावा 19 है, तो जावा SE डेवलपमेंट किट। ठीक है, डेवलपमेंट किट है ना, JDK, JDK का फुल फॉर्म क्या होता है, JDK जावा डेवलपमेंट किट। ठीक है, जावा डेवलपमेंट, ठीक है, और यहाँ पे आ जाए किट। ठीक है, तो जावा डेवलपमेंट किट, तो यहाँ पे आप X64, यहाँ पे देखिए 3 ऑपरेटिंग सिस्टम दिखाएगा आपको, लिनक्स, macOS और विंडोज़। तो आपको कौन सा सिलेक्ट करना है, विंडोज़, अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ है तो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको X64 इंस्टॉलर में जाके 158.91 MB का आज की डेट में है। ठीक है, यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आपका सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद आप उसे डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हाउ टू चेक जावा इंस्टॉल्ड और नॉट। ठीक है, अब आपके सिस्टम में जावा इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ आप कैसे चेक करेंगे। ठीक है, तो जावा इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ कैसे चेक करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे। ठीक है, वहाँ पे आप क्या करेंगे, सी जो भी ड्राइव आएगा वहाँ पे आप सीधा लिख देंगे जावा या फिर जावा सी। ठीक है, जावा सी आपका क्या होता है, जावा का क्या होता है, कंपाइलर होता है। ठीक है, कंपाइलर होता है, ठीक है, कंपाइल करने काम आता है, और जावा क्या होता है, एग्जीक्यूट कराने के काम आता है। ठीक है, ये वाला कमांड। ठीक है, उसके नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हाउ टू चेक जावा वर्जन। ठीक है, जावा का वर्जन हम लोग कैसे चेक करेंगे। ठीक है, तो जावा का वर्जन चेक करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट खोलने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, जावा फिर हाइफन और फिर वर्जन। ठीक है, और फिर वैसे जावा कंपाइलर का वर्जन चेक करने के लिए हम क्या लिखेंगे, जावा सी हाइफन वर्जन। ठीक है, तो इस प्रकार आपको जावा का वर्जन बता देगा। ठीक है, चलिए हम लोग इसे प्रैक्टिकली एक बार देख लेते हैं, है ना, कि हम कैसे चेक करेंगे। ठीक है, विंडोज़ आर किया, हमें कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है, मैंने क्या किया, कीबोर्ड से विंडोज़ आर बटन प्रेस किया, विंडोज़ प्लस आर, ये क्या होता है, रन कमांड का शॉर्टकट की है। ठीक है, रन कमांड का शॉर्टकट की है, यहाँ पे फिर मैंने क्या लिखा, सी एम डी लिखा, सी एम डी लिखने के बाद एंटर कर दिया, विंडोज़ आर किया, यहाँ सी एम डी लिखा। ठीक है,
सीएमडी लिखने के बाद मैं क्या कर दिया, ओके कर दिया। ठीक है, जैसे ओके किया ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट खुल चुका है। ठीक है, आपका सिस्टम में हो सकता है कमांड प्रॉम्प्ट ब्लैक कलर का बैकग्राउंड में दिखे, मैंने इसे कस्टमाइज़ करके इसे भी वाइट कर लिया जिससे आपको अच्छे से विजिबल हो सके। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सीधा हमें लिखना है जावा, एंटर किया, देखिए सक्सेसफुली रन कर गया। ठीक है, इसका मतलब आपका जावा आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है। अब जावा का वर्जन चेक करना है तो जावा लिखिए, हाइफन लिखिए, वर्जन लिखिए, एंटर कीजिए। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है जावा वर्जन 19.0.1। ठीक है, 18/10/2022 को ये रिलीज़ हुआ था। ठीक है, अब आपको जावा सी का वर्जन चेक करना है कंपाइलर का, तो उसके लिए आप जावा सी हाइफन वर्जन लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बता देगा जावा सी 19.0.1, इससे पता चलता है कि आपके सिस्टम में जावा जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे बताया है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, हाउ टू सेट पाथवे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बहुत लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बहुत लोग जावा का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल तो कर लेते हैं लेकिन फिर उसे रन नहीं करा पाते हैं पाथ वेरिएबल सेट नहीं करने के कारण, वो आपका जो जावा का जो कमांड है वो वर्क नहीं करता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, गो टू कंट्रोल पैनल में जाना है, कंट्रोल पैनल में जाने के बाद सिस्टम में जाना है, उसके बाद एडवांस सिस्टम सेटिंग में जाना है, फिर एनवायरनमेंट वेरिएबल में जाना है, फिर पाथ सेट कर देना है। ठीक है, और पाथ कौन सा सेट करना है, ठीक है, जिस लोकेशन में आपका जावा का जो JDK है वो इंस्टॉल है। जैसे मैंने आपको बताया अभी जावा का लेटेस्ट वर्जन JDK का है वो 19.01। ठीक है, तो मैंने इंस्टॉल किया है, तो उसको देखना है कि आपके सिस्टम में कौन से लोकेशन में वो इंस्टॉल है, उस लोकेशन का आपको पाथ को कॉपी कर लेना है और वो पाथ में ले जाके आपको सेट कर देना है। ठीक है, तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको, सबसे पहले आपको कहाँ जाना है, कंट्रोल पैनल में। ठीक है, तो आप सिस्टम में आपके कंट्रोल पैनल खोल लीजिए। ठीक है, ये मैंने कंट्रोल पैनल खोल लिया। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद आप कहाँ जाएंगे, सिस्टम में। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं आपको सिस्टम दिख गया, सिस्टम में गए। सिस्टम में जाने के बाद आप कहाँ जाएंगे, एडवांस सिस्टम सेटिंग में जाएंगे। यहाँ देखिए लेफ्ट साइड में दिख रहा है, ये मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 डाला हुआ है, हालांकि विंडोज 8 में भी सेम दिखाता है। ठीक है, तो एडवांस सिस्टम सेटिंग में जाएंगे। एडवांस सिस्टम सेटिंग में जाने के बाद देखिए आपका एडवांस वाले टैब सिस्टम प्रॉपर्टीज खुल गया है, सिस्टम का सिस्टम प्रॉपर्टीज में एडवांस, एडवांस में जाने के बाद आपका एनवायरमेंट वेरिएबल यहाँ दिख रहा है नीचे। ठीक है, एनवायरमेंट वेरिएबल में क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर दिख रहा होगा आपको पाथ, यहाँ पर दिख रहा है यूज़र वेरिएबल्स फॉर ह्यूमन। ठीक है, तो पाथ यहाँ पर जाके आप डबल क्लिक करेंगे, यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे बहुत सारा पाथ सेट हुआ दिख रहा है आपको। ठीक है, तो यहाँ से आप पाथ वेरिएबल सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे जो हमारा जावा का जो है इसे मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, तो C: प्रोग्राम फाइल्स, इसको मैं पाथ वेरिएबल को पहले हटा देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल X किया, ओके और ओके। ठीक है, अब मैं इसे कमांड प्रॉम्प्ट को एक बार एग्जिट करता हूँ। ठीक है, अब विंडोज़ R करता हूँ और CMD खोलता हूँ। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे जावा का वर्जन चेक करता हूँ। ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया है, पाथ वेरिएबल जो मैंने सेट किया था उसे मैंने क्या कर दिया, हटा दिया है। ठीक है, अब हम इसे जावा वर्जन चेक करते हैं। ठीक है, जावा इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड ऑपरेबल प्रोग्राम और बैच फाइल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर रन नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए बिफोर सेटिंग पाथ वेरिएबल, अगर आपने पाथ वेरिएबल सेट नहीं किया है तो इस टाइप का आपका एरर आता है, जावा इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। ठीक है, आफ्टर सेटिंग पाथ वेरिएबल, पाथ वेरिएबल सेट करने के बाद ही आपका ये जो इस टाइप का जो आपका जावा का कमांड है वो वर्क करता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हम जावा का पाथ वेरिएबल कैसे सेट करेंगे। ठीक है, उसके अंदर ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं, तो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया, या तो आप कंट्रोल पैनल में जाके वो वाले पाथ में सीधा जा सकते हैं, या फिर आपका विंडोज़ 8 या विंडोज़ 10 है तो सीधा यहाँ सर्च बार जो दिख रहा है आपका, यहाँ पे आप सीधा लिखिए एनवायरनमेंट वेरिएबल। ठीक है, एनवायरनमेंट वेरिएबल जैसे लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एडिट एनवायरनमेंट वेरिएबल फॉर योर अकाउंट, यहाँ पर क्लिक करिए। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका पाथ नाम का वेरिएबल दिखेगा, अगर नहीं दिखेगा तो आप पाथ नाम का वेरिएबल न्यू करके यहाँ से बना भी सकते हैं, यहाँ वेरिएबल का नाम पाथ लिख देंगे, वेरिएबल का यहाँ पर आप लोकेशन डाल देंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल मेरा पाथ वेरिएबल बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ, ये हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, पाथ का वैल्यू देना है। तो वो कहाँ से मिलेगा आपको, आप सबसे पहले आप अपने सिस्टम में आ जाइए, जैसे जावा का जो सॉफ्टवेयर है वो कहाँ इंस्टॉल है। ठीक है, तो मेरे सिस्टम में, सभी के सिस्टम में सी ड्राइव में जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप आएँगे प्रोग्राम फाइल्स में। ठीक है, प्रोग्राम फाइल्स में आने के बाद आप जाएँगे जावा में, ये देखिए यहाँ पर जावा दिख रहा है। ठीक है,
डबल क्लिक किए। अब यहाँ पे JDK मेरे सिस्टम में JDK का 17 वाला जो वर्जन है वो भी इंस्टॉल है, 19 वाला भी वर्जन इंस्टॉल है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे दोनों दिखा रहा है। आप 19 वाला वर्जन इंस्टॉल करेंगे तो सिर्फ आपके सिस्टम में 19 वाला दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसे डबल क्लिक करिए। अब यहाँ पे फिर आपको दिख रहा है बिन, इस बिन पे डबल क्लिक कीजिए। तो ये आपका आपका मेन पाथ है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसे राइट क्लिक करके, ठीक है, राइट क्लिक करके यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, कॉपी एड्रेस कर लीजिए, ठीक है। यहाँ एडिट एड्रेस करेंगे तो यहाँ पूरा कंप्लीट दिखाएगा, देखिए सी प्रोग्राम फाइल्स जावा JDK 19 और बिन, इसे आप क्या कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आप सीधा वहीं आ जाइए, ठीक है, एडवांस सिस्टम सेटिंग, ठीक है, एनवायरनमेंट वेरिएबल और यहाँ पे पाथ में, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही आएंगे यहाँ सबसे लास्ट में जाएंगे एंड में, देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, सेमी कॉलन दिख रहा होगा, ठीक है। ये सेमी कॉलन लगाने के बाद, ठीक है, यहाँ पे एक लास्ट में पाइथन 311 लिखा है, उसके बाद सेमी कॉलन लगाने के बाद यहाँ पे आप क्या कर देंगे, कंट्रोल वी कर देंगे और फिर एक लास्ट में सेमी कॉलन लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने फिर से सेमी कॉलन लगा दिया है और इसे ओके कर देंगे, ठीक है, ओके कर दिया। अब हम फिर से कमांड प्रॉम्प्ट में आते हैं, इसे मैं एग्जिट करता हूँ। अब फिर से विंडोज रन किया, CMD खोला, अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ जावा वर्जन, ठीक है, एंटर किया। देखिए आपका हमारा जो कमांड है वो सक्सेसफुली रन कर गया, ठीक है, क्योंकि हमने अभी जो है अपना पाथ वेरिएबल हमने सेट कर दिया है, ठीक है। जावा वर्जन का हमने, जावा सी का हम लोग वर्जन चेक कर रहे हैं, तो वहाँ पे दिखा रहा है जावा सी 19.0.1, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अपना पाथ वेरिएबल सेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, हाउ टू राइट जावा प्रोग्राम, जावा प्रोग्राम हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। तो जावा प्रोग्राम हम कैसे लिखेंगे, ओपन एनी टेक्स्ट एडिटर, नोटपैड, नोटपैड डबल प्लस, सबलाइन टेक्स्ट इत्यादि हम लोग खोल लेंगे। चलो हम लोग यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे नोटपैड के थ्रू, ठीक है। फिर अपना जावा का कोड लिखेंगे और उसे फिर सेव कर देंगे। तो सेव कैसे करेंगे, कोई भी फाइल नेम देंगे और डॉट करके जावा, ठीक है। तो डॉट जावा क्या है, डॉट जावा क्या होता है, जावा फाइल का एक्सटेंशन होता है, ठीक है। जैसे आपका पाइथन में डॉट py होता था, ठीक है, उसी प्रकार जावा में क्या होता है, एक्सटेंशन डॉट जावा, ठीक है। फाइल का नाम और क्लास का नाम दोनों सेम होना चाहिए, इसे आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो हम अपना जावा का पहला प्रोग्राम देख लेते हैं। जावा का फर्स्ट प्रोग्राम ये रहेगा हमारा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये प्रोग्राम है हमारा, यहाँ पे पब्लिक क्लास सिंपल, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग आर्क्स, ठीक है। फिर यहाँ पे ये वाला जो बॉडी है ये मेन फंक्शन का बॉडी है, ये मेन फंक्शन बना हुआ है और ये क्लास है सिंपल नाम का, ठीक है। इस क्लास का बॉडी यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। इस क्लास के अंदर में हमारा मेन नाम का एक मेथड बना हुआ है, उस मेन नाम के मेथड की बॉडी यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। और यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करके एक कमांड लिखा हुआ है, ठीक है। इस फंक्शन मेथड के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, हेलो वर्ल्ड नाम का आउटपुट प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको पाइथन पढ़ाते टाइम बताया था, ठीक है, पाइथन में आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है तो सीधा आप क्या लिखते थे, प्रिंट, है ना, और यहाँ पे लिख देते थे हेलो वर्ल्ड, बस इतना लिखने के बाद आपका हेलो वर्ल्ड पाइथन में प्रिंट हो जाता था। लेकिन देखिए जो जावा है, जावा में आपको हेलो वर्ड प्रिंट करना है तो उसके लिए आपको कितने लाइन का कोड लिखना पड़ेगा, 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6 लाइन्स का कोड आपको लिखना पड़ेगा, तब जाके आपका हेलो वर्ड प्रिंट होगा, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, पाइथन में मैंने बताया था, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस प्रोग्राम को लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम विंडोज आर किए, नोटपैड खोलना है, नोटपैड खोले, नोटपैड एंटर किया और ओके किया, ये हमारा नोटपैड खुल चुका है, ठीक है। तो मैंने ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था कि जो क्लास का नाम हमारा क्या है, अभी सिंपल, ठीक है, क्लास का नाम हमारा क्या है, सिंपल, ठीक है। तो क्लास का नाम और जो फाइल हम सेव करेंगे दोनों का नाम हमें क्या देना है, सेम देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पब्लिक क्लास सिंपल, ठीक है, ये हमने एक क्लास बना लिया, यहाँ पे हमने इसकी बॉडी ओपन क्लोज कर ली, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, मेन मेथड बनाना है, ठीक है। तो मेन मेथड लिख लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, ठीक है। यहाँ पे फिर हमने इसकी बॉडी ओपन कर लिया, ठीक है। यहाँ तक हमारा मेन स्ट्रक्चर तैयार हो गया, ठीक है। आपको जावा में कोई भी प्रोग्राम रन कराना है उसके लिए आपको इतनी चीज़ें जो आपको लिखनी ही पड़ेगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ठीक है, अब हमें क्या करना है, प्रिंट करना है, ठीक है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन
हेलो वर्ल्ड, ठीक है इतना कर दिया। अब यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे पब्लिक में पी स्मॉल है, क्लास में सी स्मॉल है, ठीक है। सिंपल क्लास का नाम तो आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पब्लिक में पी स्मॉल है, स्टैटिक में ऐसे स्मॉल है, वी में वर्ड में वी स्मॉल है, मेन में एम स्मॉल है, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान देंगे स्ट्रिंग में एस कैपिटल है, ठीक है। और यहाँ पे भी जो सिस्टम है इसमें एस कैपिटल है, बाकी सभी स्मॉल है, ठीक है। तो इसमें ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात होती है। अगर आपने इसको स्मॉल को कैपिटल को स्मॉल कर दिया, यहाँ पे स्ट्रिंग में एस को स्मॉल कर दिया, यहाँ पब्लिक में पी को कैपिटल कर दिया, तो ये आपका जो कोड है वो नहीं चलेगा, एरर दे देगा, ठीक है। तो इसे हम सेव करते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया था आपको सेव करने के लिए आपको क्या करना है, जो क्लास का नाम है और जो यहाँ पे सेव करेंगे जो फाइल का नाम है, वो दोनों आपको क्या करना पड़ेगा, सेम देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम दे देते हैं सिंपल, यहाँ पे हमारा क्लास का नाम क्या है, सिंपल है, तो हमने फाइल का नाम भी सिंपल दे दिया और डॉट जावा, ठीक है। और यहाँ सेव एज टाइप में आप क्या कर देंगे, ऑल फाइल्स, ठीक है। अभी हम सेव कहाँ कर रहे हैं, चलिए जी ड्राइव में आ जाते हैं। जी ड्राइव में हम सेव कर रहे हैं, ठीक है। जी ड्राइव में हम सेव कर रहे हैं, मान लीजिए हम एक नया फोल्डर बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे नया फोल्डर बना लेते हैं न्यू करके, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं प्रोग्राम्स, या फिर लिख लेते हैं CGITI CD, ठीक है। CGITI नाम का मैंने एक फोल्डर बना लिया है, किसके अंदर, जी ड्राइव के अंदर। जी ड्राइव के अंदर मैंने क्या कर लिया है, CGITI नाम का एक फोल्डर बना लिया है। अब इस CGITI नाम के फोल्डर के अंदर, देखिए यहाँ पे जी ड्राइव के अंदर CGITI नाम के फोल्डर के अंदर मैं सिंपल डॉट जावा करके सेव कर रहा हूँ, जहाँ पे हमारा जो क्लास का नाम है और जो फाइल का नाम है वो दोनों हम क्या कर रहे हैं, सेम दे रहे हैं। और यहाँ पे मैंने सेव कर दिया, ठीक है। सेव किया, अब हमें क्या करना है, रन कराना है, ठीक है। तो रन कराने के लिए हम कहाँ जाएंगे, कमांड प्रॉम्प्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो फाइल का लोकेशन है, ठीक है, आपका फाइल का लोकेशन कहाँ है, जी ड्राइव में है। जी ड्राइव में अंदर जाने के लिए आप क्या करेंगे, जी कॉलन लिखेंगे, फिर आपने कौन सा फोल्डर बनाया है, CGITI। तो CGITI नाम के फोल्डर में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, CD कमांड लगाना पड़ेगा, चेंज डायरेक्टरी, तो CGITI, ठीक है। आप कहाँ चले गए, जी ड्राइव के अंदर, CGITI के अंदर चले गए, क्योंकि हमारी फाइल यहीं पर सेव है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले हमको जावा प्रोग्राम को रन कराने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कंपाइल कराना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है ऊपर में, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, हाउ टू रन इन कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। देखिए हाउ टू रन इन कमांड प्रॉम्प्ट मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, ठीक है, यहाँ पे हाउ टू रन इन कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, जावा प्रोग्राम को कंपाइल कराना पड़ता है, उसके बाद क्या करना पड़ता है, एग्जीक्यूट कराना पड़ता है, ठीक है। दो स्टेप होता है आपको रन कराने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे, तो कंपाइल कराने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, जावा सी, फिर स्पेस देंगे, स्पेस देने के बाद फाइल नेम डॉट जावा, ठीक है। और उसके बाद फिर एग्जीक्यूट कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए कंपाइल कराने के लिए जावा सी और कमांड देना पड़ेगा, और एग्जीक्यूट कराने के लिए, रन कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, जावा देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ सी नहीं है, ठीक है, फिर स्पेस, और यहाँ पर क्या देंगे, क्लास का नाम, ठीक है। तो अभी फिलहाल हमारा जो फाइल का नाम क्या है, फाइल का नाम क्या है, सिंपल डॉट जावा, ठीक है। और क्लास का नाम क्या है, सिंपल, ठीक है। तो जावा सी करके हम यहाँ कंपाइल कर देंगे, और जावा करके यहाँ पे ऐसे करके हम रन करा देंगे एग्जीक्यूट कराने के लिए, ठीक है। तो एग्जीक्यूट कराने के लिए हमें क्लास का नाम देना पड़ता है, और कंपाइल कराने के लिए हमें क्या देना पड़ता है, फाइल का नाम। तो हम कमांड प्रॉम्प्ट में आ गए हैं, जावा सी किया, सिंपल डॉट जावा लिखा, एंटर, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारा कमांड जो है वो रन कर गया है, ठीक है, कोई एरर नहीं आया, ठीक है। फिर जावा करते हैं, और जावा करने के बाद हम लिखते हैं सिंपल, ठीक है, एंटर किया, देखिए हेलो वर्ड हमारा आउटपुट में आ गया। इस प्रकार हमारा जो जावा का प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली रन कर गया है। अब हम आते हैं, देखते हैं हमारे जो फोल्डर है जी ड्राइव में, वो CGITI के अंदर में क्या हुआ है, ठीक है। CGITI नाम का हमारा फोल्डर है, ये हमारा रहा CGITI, डबल क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पे आप ध्यान देंगे, हमने सिंपल डॉट जावा नाम का एक फाइल यहाँ पे बनाया था, लेकिन यहाँ पे सिंपल डॉट क्लास नाम का एक फाइल और क्रिएट हो चुका है, ठीक है, क्योंकि हमने इसे बनाया था 8:55 पे, देखिए
है ना, सिंपल डॉट जावा को। और सिंपल डॉट क्लास हमारा बन गया 8:57 पे, ठीक है। तो ये जो सिंपल डॉट क्लास नाम की जो फाइल है, यही हमारी क्या है, बाइट कोड है। यही जो बाइट कोड मैं आपको बता रहा था, जावा का जो कोड है उसे हम पहले कंपाइल कराते हैं, कंपाइल कराते हैं तो हमारा बाइट कोड बनता है। और इस बाइट कोड क्या होता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। और ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है इसीलिए ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में इसे हम रन करा सकते हैं। तो ये जो सिंपल डॉट क्लास है, यही हमारा क्या है, बाइट कोड है, यही हमारा क्या है, क्लास फाइल है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं आपको जावा फाइल और क्लास फाइल दिख रहा है, ठीक है। यहाँ तक हो गया, अब हम आगे आते हैं, व्हाट हैपेंस एट कंपाइल टाइम, ठीक है। यही मैं आपको बता रहा था कंपाइल टाइम में क्या होता है, ठीक है। तो एट कंपाइल टाइम द जावा फाइल इज कंपाइल्ड बाय द जावा कंपाइलर, जावा कंपाइलर यानी वही जावा सी, जावा सी यही हमारा क्या होता है, जावा का कंपाइलर होता है। इट डज नॉट इंटरेक्ट विद द ओएस एंड कन्वर्ट द जावा कोड इनटू बाइट कोड, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, जावा कोड है और ये कंपाइलर है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, बाइट कोड में कन्वर्ट हो जा रहा है। हमारा जावा कोड कौन सा था, सिंपल डॉट जावा नाम का फाइल था, ठीक है। कंपाइलर में गया, जावा सी किया, और यहाँ पे सिंपल डॉट क्लास नाम का एक फाइल और क्रिएट हो गया बाइट कोड। ये जो बाइट कोड होता है, यही क्या होता है, प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। इस प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होने के कारण इस बाइट को हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में चला सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने ये बाइट कोड कहाँ बनाया, हमारा विंडोज़ नाम के ऑपरेटिंग सिस्टम हम चला रहे हैं, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में बनाया है। अभी इस बाइट कोड को हम जो सिंपल डॉट क्लास नाम की फाइल बनी है, इसे हम लाइनक्स में ले जाएंगे या फिर मैक ओएस में ले जाएंगे, ठीक है। लाइनक्स में ले जाएंगे या फिर मैक ओएस कहीं पर भी ले जाएंगे, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो ये हमारा क्या करेगा, रन करेगा वहाँ पर भी, ठीक है। इसीलिए जावा जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम आते हैं पैरामीटर्स यूज इन फर्स्ट जावा प्रोग्राम, ठीक है। तो जावा का जो हम लोग प्रोग्राम लिखे, हमने जो प्रोग्राम लिखा है, ठीक है, उसमें कौन कौन से कीवर्ड्स है, ठीक है। तो उसमें हमने क्या लिखा था, पब्लिक क्लास लिखा था, ठीक है, पब्लिक क्लास सिंपल करके। तो उसमें क्लास क्या होता है, क्लास कीवर्ड इज यूज टू डिक्लेयर ए क्लास इन जावा। जावा में क्लास बनाने के लिए हम क्या, किस कीवर्ड का यूज़ करते हैं, क्लास, ठीक है। पब्लिक कीवर्ड यूज होता है, पब्लिक कीवर्ड इज एन एक्सेस मॉडिफायर दैट रिप्रेजेंट विजिबिलिटी, ठीक है। इट मीन्स इट इज़ विजिबल टू ऑल, पब्लिक मेथड है, ठीक है। मेन मेथड हमने पब्लिक बनाया था, ठीक है। तो ये जो पब्लिक हम लोग क्यों बनाते हैं, क्योंकि ये विजिबल टू ऑल करने के लिए, मतलब इसे हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमारा था स्टैटिक, ठीक है। स्टैटिक कीवर्ड क्यों यूज होता है, कि जावा में हर चीज़ क्या होता है, एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट, ठीक है। और कोई भी मेथड हम जब बनाते हैं, ठीक है, तो वो उसे मेथड को कॉल करने के लिए जावा में किसकी आवश्यकता पड़ती है, ऑब्जेक्ट की, ठीक है। जावा में आप एक चीज़ याद रखेंगे, आगे चल के आप देखेंगे, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। किसी भी मेथड को कॉल करने के लिए हमें क्या, किसकी आवश्यकता होती है, ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट हमें पहले क्रिएट करना पड़ता है, उस ऑब्जेक्ट से हम उस मेथड को कॉल करते हैं। लेकिन स्टैटिक मेथड क्या करता है, स्टैटिक मेथड ऐसा मेथड होता है, ठीक है, जिसके सामने हम अगर स्टैटिक लिख देते हैं, ठीक है, तो वो स्टैटिक मेथड बन जाता है। और इसे कॉल करने के लिए, ठीक है, उस मेथड को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट को बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए हम लोग, चूँकि हमारा ये मेन मेथड है, मेन मेथड को हम को कॉल करना है या रन कराना है, तो उसके लिए हम ऑब्जेक्ट तो क्रिएट कर नहीं रहे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए हमें बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हमें क्या करना है, इस मेन मेथड को कॉल करना है। इसीलिए हम इस मेथड को क्या डिक्लेयर करते हैं, स्टैटिक, ठीक है। वाइड, वाइड क्या है, वाइड एक कीवर्ड है जिसका मतलब है जो मेन मेथड है वो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मेन मेथड का नाम था, मेन क्या है, मेथड का नाम था स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम। कोई भी प्रोग्राम यहीं से ही स्टार्ट होगा जावा का, ठीक है। फिर स्ट्रिंग आर्क्स, ठीक है, स्ट्रिंग आर्क्स क्या होता है, इट इज़ यूज्ड फॉर कमांड लाइन आर्गूमेंट। कमांड लाइन आर्गूमेंट से आपको कोई इनपुट वैल्यू इनपुट देना है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग्स आर्क्स, ठीक है। फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलाइन मैंने आपको बताया था, ये आपका क्या होता है, आउटपुट देखने के काम आता है, ठीक है। जैसे आपका पाइथन में प्रिंट लिख के इस टाइप से हम आउटपुट देखते थे, तो उसी प्रकार जावा में आपको क्या करना पड़ेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलाइन लिखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वैलिड जावा मेन मेथड सिग्नेचर, ठीक है, वैलिड जावा मेन मेथड सिग्नेचर, ठीक है। तो इससे पहले मैंने आपको बताया कि जावा का प्रोग्राम लिखने के लिए आपने कैसे लिखा था, ठीक है, पब्लिक क्लास सिंपल, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से कर्ली ब्रेसेस ऑन हुआ था, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ऑफ हुआ था, ठीक है। फिर यहाँ पे आपने क्या लिखा था, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, ठीक है, मेन, और फिर यहाँ पे उसके अंदर में लिखा था यहाँ पे स्ट्रिंग और ऐसा करके फिर ARGS, ठीक है। और यहाँ पे फिर इसका बॉडी ऑन हो गया था, ठीक है।
है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, तो यहाँ पे वैलिड जावा मेन मेथड सिग्नेचर, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो लिखा था, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैंने स्ट्रिंग ऑक्स, ठीक है। तो इसके जगह में आप ये सारी चीज़ें भी आप लिख सकते हैं, ये सभी चीज़ें आपके वर्क करेंगी, ठीक है। मतलब ये वाला जो लाइन था आपका पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग आर्क्स का, तो वहाँ पे आप ये सब भी लिख सकते हैं, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग के बाद देखिए यहाँ पे आपका दो ठो जो ब्रैकेट है वो यहाँ पे था, ये तो हमने अभी जो यूज़ किया वही है। लेकिन इसके बदले आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे आप इसको यहाँ ना रख के यहाँ स्पेस दे के यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। या फिर आप इसी ब्रैकेट को ए आर जी एस के सबसे लास्ट में लिख सकते हैं, या फिर यहाँ डॉट लगा सकते हैं, ठीक है। तो इन सारे मेथड्स को आप यूज़ कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आपका रन करेगा वो, ठीक है। क्या जावा फाइल को क्लास नेम के अलावा किसी अन्य नाम से सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया कि हमने जो सिंपल नाम का एक क्लास बनाया था, ठीक है, सिंपल नाम का एक क्लास बनाया था, ठीक है। तो इस सिंपल नाम का क्लास बनाया था और फाइल का नाम भी हमने सिंपल ही दिया था, सिंपल डॉट जावा, ठीक है। तो क्या ये जरूरी है कि हम जावा फाइल को क्लास नेम के अलावा किसी अन्य नाम से सेव कर सकते हैं? तो उत्तर है हाँ, अगर क्लास को पब्लिक डिक्लेयर ना किया गया हो तो, ठीक है। तो अभी आप ध्यान दिए होगे हमने जो जावा सेकेंड प्रोग्राम, ठीक है, तो इसका सीधा मीनिंग क्या है मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे हमने जब ये सिंपल डॉट जावा नाम का फाइल बनाया था, इसे हम देखते हैं एडिट करके, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल नाम का जो हमने क्लास बनाया था, वो सिंपल नाम के क्लास को हमने क्या किया था, पब्लिक डिक्लेयर किया था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इसे पब्लिक डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस जावा फाइल का नाम भी आपको क्लास के नाम के इक्वल यानी सिंपल ही देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये पब्लिक कीवर्ड को हटा देते हैं, अगर पब्लिक कीवर्ड को हटा देते हैं, तब आप जब आप सेव करेंगे तो उस टाइम आप यहाँ पे जो फाइल का नाम है वो अलग दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपने यहाँ से पब्लिक कीवर्ड हटा दिया तो आप यहाँ फाइल का नाम जो है वो अलग दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग देख लेते हैं सेकेंड जावा प्रोग्राम, ठीक है। सेकेंड जावा प्रोग्राम हम लोग बना रहे हैं हार्ड डॉट जावा नाम का, ठीक है। और यहाँ पे क्लास का नाम क्या है, सिंपल है, और फाइल का नाम क्या है, हार्ड डॉट जावा, ठीक है। लेकिन अब इसे हम रन कैसे करेंगे देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम नोटपैड खोल लेते हैं, नोटपैड खोल लिया। अब यहाँ पे हम क्या बना लेते हैं, क्लास। यहाँ पे देखिए मैं पब्लिक नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, पब्लिक सिंपल, ये हमारा सेम जो पिछला प्रोग्राम बनाया था वैसे ही है, सिर्फ हमने यहाँ से क्या कर दिया है, पब्लिक कीवर्ड को हटा दिया है, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ए आर जी एस, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट प्रिंट एलन हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो ये जो है, ठीक है, इसमें हमने क्या किया है, सिंपल नाम का एक क्लास बनाया है जिसको हमने पब्लिक डिक्लेयर नहीं किया है। अब हम इसे सेव करते हैं, कंट्रोल एस किया, कंट्रोल एस करने के बाद हम उसी लोकेशन में सेव करना है, जी ड्राइव के अंदर, सी जी आई टी नाम के फोल्डर के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसका नाम दे रहे हैं हार्ड डॉट जावा, और यहाँ पे सेव एस टाइप में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ऑल फाइल्स कर दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसे सेव कर दिया, ठीक है। अब इसे रन कराने का तरीका क्या होगा, ठीक है। तो अब इसे रन कराने का तरीका क्या होगा, आगे लाइन में देखते हैं, ठीक है, ये, ठीक है। अब इसे रन कराने का तरीका क्या होगा, अब हमें कंपाइल कराने के लिए हमेशा एक चीज़ ध्यान रखेंगे, कंपाइल कराने के लिए हमें हमेशा किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, फाइल नेम की, ठीक है। लेकिन जो हमें रन कराने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, क्लास नेम की, ठीक है। ये चीज़ आप हमेशा लिख लेंगे, या फिर रन कराने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एग्जीक्यूट कराने के लिए क्लास नेम की, और कंपाइल कराने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, फाइल नेम की, ठीक है। ये चीज़ आप लोग अच्छे से इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लेंगे, ठीक है। तो कंपाइल कराने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, फाइल नेम की, और दोनों केस में, ठीक है, चाहे आपने क्लास का नाम सेम दिया है, और क्लास का नाम सेम दिया है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, यहाँ भी सिंपल आएगा, यहाँ भी सिंपल आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो जब कंपाइल कराते टाइम हमको क्या देखना है, हमें फाइल का नाम देना है, और रन कराते टाइम हमें क्या करना है, क्लास का नाम देना है, ठीक है। तो हम इसे रन करा लेते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट में आ गए, हमारा जो फाइल है वो इसी फोल्डर के अंदर है, इसी डायरेक्टरी के अंदर है, ठीक है, जावा सी हार्ड डॉट जावा, ठीक है। जावा सी किया हमने, हार्ड डॉट जावा लिखा, एंटर किया, ठीक है।
अब हम रन कराते हैं जावा सी सिम सॉरी जावा सिंपल, एंटर किया, देखिए हेलो वर्ड आया आउटपुट पे हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस प्रोग्राम को हम अपने रन करा सकते हैं, ठीक है। हमने जावा सी में क्या किया, हार्ड और जावा किया, और जावा में सिंपल किया। इस तरीके से हमें ये भी पता चल गया कि हम हमारा जो क्लास का नेम है और वो जो फाइल का नाम है वो दोनों हम अलग अलग भी रख सकते हैं, लेकिन अलग अलग कब रख सकते हैं, जब हमारा जो क्लास है उसे हमने पब्लिक डिक्लेयर नहीं किया है, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से आज का हमारी क्लास यहीं पे एंड होता है, ठीक है। ऐसा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको इस तरह के वीडियो और प्राप्त हो सके, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।